नमस्कार दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, भारत का बटला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। ये सोलर पार्क लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के द्वारा अपने 36 सोलर प्लांट के ऊपर लगभग 2,245 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जा रहा है। बटला भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जहाँ पर एक जगह पर इतने बड़े पैमाने पर बिजली का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद भारत के कर्नाटका में स्थित ही सोलर पार्क का नंबर आता है, जहाँ पर 2050 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, भारत इस वक्त बड़े बड़े सोलर पार्क का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये स्थिति सदा इस प्रकार नहीं थी। ईयर 2010 में भारत केवल 160 मेगावाट बिजली का निर्माण ही सोलर पैनल के द्वारा कर रहा था। इस अपनी बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को देखते हुए और नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईयर 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर पेरिस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना फ्रांस में की गई थी, लेकिन इस अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम न्यू दिल्ली में बनाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य टारगेट ईयर 2030 तक पूरे विश्व में 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण सोलर पैनल के द्वारा करना रखा गया। भारत के द्वारा ईयर 2022 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण सोलर पैनल तकनीक के द्वारा करने के लिए टारगेट सेट किया गया। अडला सोलर पार्क का निर्माण 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ चार फेज में किया गया। प्लांट के पहले फेज में बिजली का टैरिफ 6.45 पैसे पर यूनिट था, जो इस प्लांट के फोर्थ यूनिट के स्टार्ट होने के बाद 2.45 पैसे पर यूनिट तक पहुंच गया। प्लांट से तैयार की जा रही इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ पूरे विश्व में किसी भी सोलर प्लांट से तैयार की जा रही टैरिफ से सबसे कम है। इस प्लांट में लगाए गए सोलर पैनल की सफाई इस सोलर प्लांट की बहुत बड़ी समस्या थी। राजस्थान में आने वाले रेतीले तूफानों के कारण रेत इन सोलर पैनल को ढक लेती थी, जिस कारण इन सोलर पैनल से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत मुश्किल था। मुख्य तौर पर सोलर पैनल की सफाई हाथ से या पानी से की जाती है, लेकिन पानी की कमी राजस्थान की पहले ही बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए एक पीवी पैनल सफाई समाधान डेवलपर कंपनी इकोपिया के साथ समझौता किया गया। इस कंपनी के द्वारा तैयार की गई E4 नामक मशीन्स इन सोलर पैनल को ऑटोमेटिकली सारा दिन और रात सफाई करते रहते हैं, के लिए किसी भी प्रकार के पानी और ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इस सोलर प्लांट के अलावा भारत और भी कई सारे सोलर पार्क के ऊपर काम कर रहा है, जो भविष्य में जल्दी ही काम करना शुरू कर देंगे। इस चैनल की आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।